सेकंड गेम हो तो डबल हेडर, और पहला अच्छा चल रहा होगा जब तक आप वीडियो देख रहे हैं, या फिर शुरू नहीं हुआ होगा, लेकिन हमें तो क्या है, प्रीव्यू तो करना ही है, नेक्स्ट की भी तो टीम बनानी है ना। और नेक्स्ट में टाइम बहुत कम बचता है आपके पास, और बहुत सारे आपके ओपोनेंट हैं जो कि रिसर्च नहीं करके आते हैं, मेहनत नहीं करके आते हैं, लेकिन आपको पूरी करके जानी है और वो हम पूरी करके देंगे, सिर्फ आपको छाप देना है। तो वेलकम बैक टू स्काउट्स पावर्ड बाय विजन 11। आई एम अक्षय पटेल, आई हैव अ विजन टू प्ले माय गेम। अब बारी आपकी है, डाउनलोड विजन 11, क्योंकि विजन है तो लाइफ है। इस खेल में वित्तीय जोखिम तो है, कृपया जिम्मेदारी से अपने जोखिम पर खेलें। मैं हूं पीयूष शर्मा, और हमारे साथ में हमारे तीनों स्काउट्स, जिनके नए फेसेस आपको भी दिखाई देंगे, क्योंकि डबल हेडर में किसी के बस की नहीं है कि दोनों दोनों मैचेस कवर कर पाए। प्लीज वेलकम मिस्टर राघवेदी, प्रतीक कुसार एंड आशीष मीना। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? ये क्या भी आए ना, तो इनकी एनर्जी एकदम फुल है, हम क्या सुबह से लगे हुए हैं तो बिल्कुल डाउन है फिलहाल। तो मैच है LSG वर्सेस DC एट द इकाना स्टेडियम, और बहुत ही इंटरेस्टिंग वेन्यू है, क्योंकि लास्ट अगर आपको सीरीज याद हो इंडिया न्यूजीलैंड की, तो यहाँ पर जो T20 इंटरनेशनल हुआ था, 99 रन स्कोर किए थे न्यूजीलैंड ने 8 विकेट पे। बहुत ही लो स्लो विकेट था, बिल्कुल बाउंस नहीं था, बहुत टर्न देखने को मिला था, और वो 99 चेस करने के लिए भी इंडिया 19.5 ओवर तक गई थी। तो बहुत ही कॉम्पिटेटिव गेम रहा था 99 में भी। उसके बाद ये हुआ कि जो क्यूटर थे उनकी छुट्टी कर दी, तो आपको वैसा विकेट नहीं देखने को मिलेगा, उससे ज्यादा रन जरूर देखने को मिलेंगे। लास्ट सीजन रन बने थे यहाँ पर, और लास्ट सीजन मतलब लास्ट जो मैचेस हुए थे, तो उससे बेटर विकेट होगा, लेकिन अभी भी बहुत ही मुश्किल है बता पाना कि किस टाइप का विकेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो जब तक आप विकेट ना देखें, तब तक टीम ना बनाए, कॉन्टेस्ट ज्वाइन ना करें, क्योंकि या तो ये विकेट बहुत ही हाई स्कोरिंग हो सकता है, या फिर वैसा हो सकता है लास्ट हुआ था, वैसा तो नहीं हुआ, छुट्टी कर दी क्यूरेटर की, वापस तो नहीं होगी। तो अब चलते हैं आज के मैच पे। कैप्टनसी ऑप्शंस की बात करें, तो इस मैच में आपके पास कुछ क्वालिटी ऑप्शंस अवेलेबल है बैटिंग सेक्शन में स्पेशली, जो कि थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो अब चलते हैं कैप्टनसी ऑप्शन पे। प्रतीक भाई, आपसे स्टार्ट करते हैं, आपके कौन कैप्टन, वाइस कैप्टन, सेफ ऑप्शंस पर्सनली? सेफ ऑप्शंस फर्स्ट गेम, ज्यादा रिस्क लेने का मन नहीं है, डेविड वार्नर, आई मीन द बिग आईपीएल, मतलब क्या कहें, मतलब बहुत ही बड़े किरदार रहे हैं आईपीएल में अब तक, जम के रन बनाते हैं। अब कैप्टनसी भी मिल गई है, एंड एज अ कैप्टन ऑल्सो उन्होंने काफी बढ़िया करा है। तो यहाँ से डेविड वार्नर, वहां से लोकेश राहुल, उम्मीद है मुझे प्रसाद ना मिल जाए आकाश भाई की जगह पर, बट दीज टू प्लेयर्स एब्सोल्युटली टॉप गन्स। KL राहुल, डेविड वार्नर, आंख बंद करके अगर आपको स्मॉल लीग्स में कैप्टन बनाना हो तो आप इनके साथ बिल्कुल जा सकते हैं। KL राहुल वैसे बहुत ज्यादा खेले नहीं है इस वेन्यू पे, मैचअप जो है डिसेंट रहे हैं। सामने चेतन सकारिया जरूर 3 रन के 2 बार आउट कर चुके हैं उनके अगेंस्ट, और वो चेतन सकारिया मुझे याद है, वो लेफ्ट आर्म पेसर, अंदर आती बॉल वही वाली लाइन डाली थी उन्होंने और उनका आउट किया था। डेविड वार्नर सबके अगेंस्ट नंबर्स अच्छे हैं, एक्सेप्ट वन बॉलर जिन्होंने काफी परेशान किया है, वो है रवि बिश्नोई। 3 इनिंग में 3 बार आउट कर चुके हैं इन जस्ट 6 डिलीवरीज, और वो तीनों डिसमिसल लाइव भी देखे थे मैंने, और अगर आप देखेंगे तो लगेगा आपको कि उनकी उंगली पे क्लियरली स्ट्रगल करते हुए दिखे थे वो। तो ये दो आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन है, लेकिन अगर आपको रिस्क लेना हो तो आपके पास है ऑप्शन, आप रिस्क ले सकते हैं। KL राहुल के साथ एडिशनल एडवांटेज इस मैच में ये होगा, क्योंकि क्विंटन डिकॉक अवेलेबल नहीं है, तो विकेट कीपिंग करेंगे, इसलिए पॉइंट्स मिल जाएंगे। जब क्विंटन डिकॉक आ जाएंगे तब शायद आपको विकेट कीपिंग करते हुए ना दिखें। इसके अलावा और कौन अवेलेबल नहीं है, और कौन अवेलेबल नहीं है? नहीं, उससे पहले एक चीज, एक चीज, KL राहुल को सिर्फ मतलब एक और मतलब यहाँ पे जो डर होगा वो लेफ्ट आर्म स्पिनर अक्षर पटेल वाला एक डर होगा। वो उसको थोड़ा सा संभल, मतलब वही एक स्केयर है। उसके अलावा आई थिंक KL राहुल जितना कहा गया उसके बारे में, स्ट्राइक रेट के बारे में ज्यादा कुछ कहते हैं, बट ही शुड कम बिग होपफुली। थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, उनके अगेंस्ट में उनके नंबर्स खराब है, स्ट्राइक रेट भी खराब है, डिस्मिसल्स भी है, तो दो है थ्रेट। तो अक्षर पटेल के अगेंस्ट अभी तक नंबर्स अच्छे नहीं रहे, और अक्षर पटेल एक्चुअली एक अच्छी कैप्टनसी चॉइस भी है, उनको मैं जरूर ट्राई करना चाहूंगा। फिलहाल आशीष भाई किसको ट्राई कर रहे हैं बताइए। यहाँ पर कैप्टनसी के लिए मैं जाऊंगा KL राहुल के साथ, जिस तरह से आईपीएल में उनके पास हमेशा ऑरेंज कैप रहती है। और वाइस कैप्टनसी की तरफ मैं यहाँ पे मिच मार्श के पास जाऊंगा, जिन्होंने हाल ही के अंदर इंडिया वाली सीरीज के अंदर बहुत धुलाई करी थी। तो वार्नर को मैं बैक इसलिए नहीं कर रहा, जैसे वाइस कैप्टन है कैप्टन, उनका जो हाल ही का फॉर्म है वो क्वेश्चन मार्क रहा है। ओडीआई के अंदर भी उनको ओपनिंग स्लॉट छिन गई थी वहां पे। जी हाँ, जैसे प्रतीक भाई ने बोला, वैसे कैप्टनसी में अपनी कैप्टनसी में काफी अच्छा करता है, आईपीएल में का रिकॉर्ड देखना है इस कैप्टन, तो वो जो एवरेज है 9-10 रन पर गेम बढ़ जाता है जब वो कैप्टन होते हैं, और हमने देखा है कि टाइटल भी जीता है उन्होंने। रिसेंट फॉर्म अगेन क्वेश्चन मार्क जरूर रहेगी, और बहुत ज्यादा क्रिकेट खेले भी नहीं है,
और अगर एक आना का विकेट वैसा ही हुआ जैसा लास्ट टाइम था, तब तो मैं पक्का वार्नर को कैप्टन नहीं बनाऊंगा। इसके अलावा अब अनुराग जी किसी को कैप्टन बनाएंगे, क्योंकि ये बिल्कुल बनाते हैं एकदम अतरंगी, दुनिया से अलग। भाई ने ना एकदम मतलब वो ले लिया, मेरी पिक छीन लिया, मैं गुस्सा हूँ भाई तुमसे, तुमने मुझसे पहले क्यों नहीं पूछा। एक काम करो, मैं सब कुछ आपसे ही पूछता हूँ अब, एंड टू एंड लास्ट तक का टीम भी आप ही बना दो पूरी, हम कर चल जाएंगे। मेरा कैप्टन मैं केएल राहुल के साथ ही जाऊंगा, उसका रीजन ये है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सीजन काफी रन आने वाले हैं, और मुझे लग रहा है ऑरेंज कैप उन्हीं के पास रहने वाली है, और उनके अंदर अच्छी बात ये है ना कि वो लंबा खेलते हैं, जब रन बनाते हैं तो ये 51 30 35 32 वाली पारी नहीं होती, फिर वो 70 80 85 या 100 लंबी पारी होती है, तो मुझे ऐसा लग रहा है लंबा खेल जाएंगे, तो केएल राहुल विल बी माय कैप्टन। वाइस कैप्टन में मैं मिचेल मार्श को मैं बिल्कुल मैं मतलब ट्राई करने का मन है, क्योंकि अभी नहीं 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 मन है कि करोगे ये बोलो। नहीं अभी मैं श्योर नहीं हूँ, क्योंकि मुझे ये नहीं पता एग्जैक्टली कि वो बॉलिंग करेंगे, अगर वो मुझे लाइनअप देख के लगता है कि बॉलिंग करेंगे देन डेफिनेटली मैं वाइस कैप्टन करूंगा, अगर बहुत ज्यादा मैं श्योर हो जाता हूँ हाँ भाई पूरे चार ओवर आने वाले हैं तो फिर कैप्टन, क्योंकि उनसे बस कोई 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 मतलब चॉइस है नहीं, चांस ही नहीं है, चांस ही नहीं है, तो कैप्टन नहीं बॉलिंग करने का चांस है, सम पॉइंट बॉलिंग जरूर करेंगे, बट चार ओवर्स मिशेल मार्श से निकालना नहीं, स्टार्टिंग में नहीं करेंगे, टूर्नामेंट स्टार्ट करते हुए नहीं, बिकॉज़ ऑब्वियसली जैसे ही बॉलिंग कर, वही रीजन है कि मैं वाइस कैप्टन पे जाऊंगा मिशेल मार्श का, तो कैप्टन केएल राहुल। जी अगर बैटर्स आपको चाहिए, आपके पास स्ट्रेट ऑप्शन है, मिशेल मार्श अगेन एज अ प्योर बैटर भी आपको काफी वैल्यू देते हैं, जिस तरीके से खेलते हैं, 10 विकेट से ऑस्ट्रेलिया ने ऑफकोर्स हराया में लास्ट ओडीआई, सबसे बड़ी डिफीट थी उसमें, सबसे बड़ा रीजन मिशेल मार्श ही थे, और काफी कंसिस्टेंटली रन कर रहे हैं सरप्राइजिंगली, जो कि कंसिस्टेंसी आपको लगता है कि कंसिस्टेंसी शायद वो मेंटेन ना कर पाए जिस अग्रेसिव मोड में वो खेल रहे हैं, बट अभी तो काफी कंसिस्टेंट हो गए, एक अच्छे वो भी कैप्टनशी ऑप्शन रहेंगे, बट अगेन विकेट देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर विकेट रहा लो एंड स्लो तो मिशेल मार्श, तो एक और अच्छे कैप्टन चॉइस हमने बात नहीं की है वो मार्कस टोनिस हो सकते हैं, स्पेशली अगर वो पहले बोलिंग कर रहे तो, क्योंकि क्विंटन डिकॉक है नहीं, बैटिंग आने के चांसेस पूरे हैं उनके भी, और हो सकता है कुछ ओवर्स वो आके डेथ में भी कर दें, एलएसजी के लिए भी कुछ ओवर्स उन्होंने डेथ में आके किए, और ऑलराउंड वैल्यू है वो, लास्ट जो सीरीज है उसमें विकेट्स भी पिक करके आ रहे हैं, तो एक ऑप्शन वो भी है जिनको आप कंसिडर कर सकते हैं, और अक्षर पटेल, तो जो तीन ऑप्शन मैं ट्राई करने वाला हूँ वह है केएल राहुल, अक्षर पटेल और मार्कस टोनिस, इन तीन में से किसी दो के साथ जाऊंगा, ऐसा करके हमने 12 प्लेयर कवर कर दिए, तो जो भी चल गया हम चला देंगे कि भैया आप जीत गए। अब प्लेयर टू अवॉइड, कौन सा प्लेयर आप नहीं रखना चाहेंगे अपनी टीम में, इस बार अनुराग से स्टार्ट करता हूँ ताकि कंप्लेन ना करें। मैं मार्कस टोनिस को नहीं रखूंगा अपनी टीम में, क्योंकि हमेशा डाउट रहता है उनके ऊपर, और बैटिंग में भी जिम्मेदारी एक होता है, प्लेयर जिम्मेदारी से खेलता है, एक होता है प्लेयर आया जिस जो बॉलर को नहीं मानना चाहिए उसको मारने गया और विकेट देके चले गए, मुझे पसंद नहीं है मार्कस टोनिस, तो मैं मार्कस टोनिस को मैं नहीं रखूंगा। इनको पसंद नहीं है इसलिए टीम में नहीं ले रहे, आपको पसंद है आप ले लो, क्योंकि अल्टीमेटली पसंद नापसंद के बेसिस पे आप जीतोगे नहीं यारोगे, पॉइंट्स के बेसिस पे जीतोगे यारोगे। प्रतीक भाई अपनी सोच बताना। सही बात है बिल्कुल। प्रतीक भाई अनुराग के साथ जाऊंगा, नो मार्कस टोनिस मेरी टीम में भी, एंड प्राइमरी दो रीजन है, मार्कस टोनिस पांच या छह पे बैटिंग करेंगे दैट इज डिसकंफर्ट फॉर मी एज अ फैंटेसी यू नो मैनेजर, अगर वो ऊपर की तरफ बैटिंग कर रहे होते तो डेफिनेटली कंसिडरेशन में होते पर यहाँ पर नहीं होंगे। सेकंड, उनके पास ऑलरेडी 5 अपफ्रंट बोलर्स हैं राइट, तो वहां पर और काइल मेयर्स भी अवेलेबल है बिकॉज क्विंटन डिकॉक की जगह पे वो खेल जाएंगे, तो उस केस में अगर मान लो इनको कुछ ओवर्स भी मिलेंगे तो वो भी बटने का पूरा पूरा चांस है, तो इसीलिए मतलब जब तक श्योरिटी नहीं है तो वहां पे दूसरा वैल्यू अवेलेबल है ऑलराउंडर्स में, तो मैं वहां पर जाऊंगा। बोल छप रहे हैं, बता रहा हूँ सबकी टीम में बाद में मिलेंगे, मैं दिखाऊंगा सबकी टीम। आशीष भाई किसको नहीं रखोगे? मेरी टीम में नहीं मिलेंगे, मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर मैं आयुष बोधोनी को प्लेटफॉर्म पर रखूंगा। अरे नहीं 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 आशीष भाई हम नहीं लेंगे, हम काउंट नहीं करेंगे दूसरा। नो नो नो, फिर सरफराज रख लो प्लेटफॉर्म। नो 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 नो, पूरन तो यार इंपैक्ट प्लेयर है, अभी जिस तरह से खेल के आ रहा था पिछले T20I के अंदर बहुत अच्छी पारी थी बंदे की, तो पूरन से तो इस बार जिम्मेदारी भी एक्सपेक्ट करेंगे अपन, लोअर ऑर्डर के अंदर तो पूरी जिम्मेदारी रहेगी इस मैच के अंदर, तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो तो खेलेगा। आई थिंक पूरन पे कमेंट सिर्फ एक जन को देना चाहिए, वो है पीयूष शर्मा। मैं बता देखो आशीष भाई, पूरन और जिम्मेदारी ये दोनों वर्ड्स कभी साथ में नहीं आते, ठीक है?
इम्पैक्ट प्लेयर बोल सकते हो, जिम्मेदार नहीं. तो फाइनली बताओ किसको आउट कर रहे हो. तो चलो एक फाइनल कॉल लेता हूँ, तो कुरनल पांडे का. अगर वो यहाँ पर वही सेम विकेट रहा जो लास्ट टाइम रहा था, तो फिर ड्रॉप करना मतलब रुकता हो जाएगी जहाँ पे बॉल टर्न ले रही थी, जैसे अपने इंडिया वाली सीरीज में देखा था अगेंस्ट न्यूजीलैंड. अगर ऐसा विकेट आ तो ड्रॉप नहीं करूंगा, वरना टीम से बाहर. यहाँ भी डिस्क्लेमर दे दिया इन्होंने, चार प्लेयर बड़ी मुश्किल से दिए थे, चार प्लेयर बाद में, वहां भी डिस्क्लेमर दे दिया. देता हूं, इस मैच में पूरन का बल्ला नहीं चलेगा. मेरे को डर है अर्षद तक ना बना जाए तो. नहीं नहीं नहीं, बहुत बड़े नहीं नहीं नहीं, पर 10 रन शायद, 10 रन बहुत ज्यादा. तो हमने बॉलिंग अटैक देखा अब डीसी का, मुझे खास नहीं लग रहा इस बार. पल्ली लाइन में 10 के अंदर मतलब इस तरह से देखते हो उसको तो यूज आउट कर देगा. फिलहाल जो बहुत ही खास लग रहा है वो है हमारे गिव अवे डिजिटल 11 के पास. सबको अर्पित पापा ऐसा है, इस मैच में भी गिव अवे है, पहले मैच में भी था, इससे डे गेम था जो कि हर मैच बहुत पैसा है बहुत. और अगर अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवे में तो हम इस वीडियो में तो करेंगे. टेलीग्राम पे व्यू स्पोर्ट के टेलीग्राम पे भी स्पेशल गिव अवे है जो कि इनिंग्स ब्रेक के बाद होगा. इनिंग्स हो जाएगी उसके बाद आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं इनिंग्स पे क्या होने वाला है, और पार्टिसिपेट करने वाले वहां पे लोग बहुत ही कम है. तो अगर आप अभी तक नहीं कर रहे हैं तो उन चुनिंदा में से है तो आपके चांसेस बहुत अच्छे हैं. और अभी तक नहीं कर रहे तो क्यों नहीं कर रहे, आओ टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लो. मेरा टेलीग्राम चैनल व्यू स्पोर्ट का, अनुराग का, आशीष भाई का, सबका ज्वाइन कर लो, क्योंकि ज्वाइन करने का कुछ नहीं लगता है और कुछ नहीं भी लगता है जब आप विजुअल पे ज्वाइन करेंगे वो बिल्कुल फ्री में. चलो हो गया हमारा इंटीग्रेशन, अब आ जाओ विकेट कीपर सेक्शन पे. तो विकेट कीपर सेक्शन आपके पास खेल रहा हूँ स्टेट ऑप्शन है, अवेलेबल है नहीं. काइल मेयर्स आपको खेलते हुए देख सकते हैं, तो के राहुल स्ट्रेट चॉइस. और आपके पास सरफराज खान है जो कि आपको वैसे तो बैटर हैं, सारे रोल करते हैं, लेकिन अब क्योंकि मजबूरी है तो विकेट कीपिंग करनी पड़ेगी. नीचे कर रहे हैं थोड़ा, प्लेयर बहुत ही अच्छे हैं बट ऑफकोर्स के राहुल से ऊपर तो आप पिक नहीं करेंगे और दो विकेट कीपर आप पिक नहीं कर पाएंगे. कोई है सरफराज खान को पिक करने वाला अदर सरफराज खान? नहीं, अगर बैटिंग फर्स्ट है तो मैं रिस्क ले सकता हूं. के राहुल को ड्रॉप करके भाई कुछ भी कर सकते हैं. कैप्टन बोला मतलब फर्जी तो बड़ी. बैटिंग सेक्शन में आपके पास डेविड वार्नर है, दीपक हुडा है, पृथ्वी शो है, जो मुझे लगता है कि तीन सबसे पॉपुलर चॉइसेस होंगे स्मॉल लीग्स में. इन तीन में से आप किसी को ड्रॉप करेंगे, जो ड्रॉप करना चाहे अपना हाथ खड़ा कर सकता है. क्या बोला फिर से बोलना? डेविड वार्नर, दीपक हुडा, पृथ्वी शो, इन तीनों में से किसी को ड्रॉप करेंगे टीम में? तीनों रहेंगे. बहुत बढ़िया था. अब आपके पास तीन बैटर हो गए, अब आपके पास ऑप्शन कौन से जो कि बच गए. रोमन पॉवेल अच्छी खासी फॉर्म में, दबा के रन मार के आ रहे हैं साउथ अफ्रीका. उसके बाद है मनीष पांडे जो कि अपने नए रोल में देखेंगे नई फ्रेंचाइज में, और वैसे काफी कंसिस्टेंट बैटर हैं, लास्ट वीक उसके दिन कुछ खास अच्छे नहीं गए. और निकोलस पुरन हमारे फेवरेट. तो आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं, इनमें से किसी को पिक करेंगे? चार बैटर्स के साथ जाएंगे, पांच के साथ, छह के साथ. मनीष पांडे को मैं ट्राई कर सकता हूँ, फाइनली मेरे दिमाग में अच्छी पिक है, मनीष पांडे के साथ जाऊंगा. अरे भाई आपकी पिक, सॉरी आपकी पिक, निकोलस पुरन, मनीष पांडे, रोमन पॉवेल, कोई नहीं, या फिर एक दो तीन? यार जाऊंगा तो पूरन के साथ. अगर मैं मेरी पैकिंग ऑर्डर होगी पूरन, फिर रोमन पॉवेल और फिर मनीष पांडे, इन केस मैं फोर्थ बैटर के साथ जाता हूं. मजा आएगा इस मैच में, मुझे मजा तो आएगा, बहुत मजा आएगा. काफी अलग टीम्स बनने वाली है इस मैच में. आशीष भाई? यस, यहाँ पे मैं वार्नर के बाद पूरन को बैक करूंगा, और यहाँ पे दीपक हुड्डा जो समाओ कुछ बॉलिंग भी करने आ सकता है. अरे तो वो तो पिक कर लिए ना, तीन के अलावा वार्नर, शॉ, हुड्डा, इनके अलावा पूरन तो मेरे डायरेक्ट टीम में बन रहे तीन प्लेयर्स के, जिस मेरे एक मिनट आप ऐसा करो, अपने चार बैटर बता दो. चार बैटर, चलो डेविड वार्नर, पूरन, दीपक हुड्डा एंड पॉवेल. नो पृथ्वी शॉ, नो 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 शॉ. पृथ्वी शॉ, देखो ये वीडियो और देखो अब बताओ आपके कितने बड़े प्लेयर मारो पहले ही मैच. ऑल आउट सेक्शन पे चलते हैं. मैंने पहले मार्कस स्टोनिस डिफॉल्ट चॉइस लिए थे, बट क्योंकि अब आप पिक नहीं कर रहे हैं तो वो हटा देते हैं. मिशेल मार्श, अक्षर पटेल जो कि सबके टीम में मिलने वाले हैं. अब इसके बाद आपके पास ऑप्शन है काइल मेयर्स का, खेलते हैं जो कि मोस्टली अच्छे चांस खेलेंगे, तो आप उनको पिक कर सकते हैं. कृणाल पांड्या ऑप्शन है, और मार्कस स्टोनिस जो कि कसम खा के आए आज हमारे एक्सपर्ट के नहीं पिक करेंगे, मैं तो करूंगा. ठीक है, तो ये दो ऑप्शन फिलहाल के लिए डिफॉल्ट है, बाकी आप
ओवरऑल कॉम्बिनेशन कितने बॉलर्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग आप पिक कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन में रवि बिश्नोई मेरे अकॉर्डिंग मस्ट हैव होंगे, क्या आप सबकी टीम में रवि बिश्नोई दिखेंगे? अनुराग रवि बिश्नोई को लूंगा। आशीष भाई जी नहीं, यहाँ पे आवेश कुलदीप मार्कवुड। आवेश कुलदीप मार्कवुड बहुत बढ़िया, तो मार्कवुड कुलदीप यादव दोनों मेरी टीम में भी हैं और आवेश खान के साथ टॉसअप है कि वो स्पेशली वैसे नंबर्स उनके अगर आप देखेंगे बॉलिंग सेकंड में ज्यादा अच्छे हैं, लेकिन इस टीम में क्या रूल रहता है बॉलिंग लाइनअप अगर आप देखेंगे तो बेटर आपको आइडिया होगा, क्योंकि मार्कवुड डेथ में बॉलिंग नहीं करते हैं बहुत ज्यादा इंग्लैंड के लिए भी, मिडिल ओवर्स इन्फोर्सर वाला रोल प्ले करते हैं, पहले कुछ ओवर्स पावर प्ले में आते हैं फिर मिडिल ओवर्स में करते हैं और डेथ से पहले पहले अपना स्पेल खत्म कर देते हैं, तो हो सकता है आवेश खान को वापस से वो रोल दिया जाए और दिल्ली कैपिटल्स के लिए उन्होंने किया था कि डेथ में आके बॉलिंग कर रहे थे जबकि रवाडा नोकिया भी थे उस टाइम पे साइड में। तो फिलहाल के लिए रवि बिश्नोई मार्कवुड कुलदीप यादव ये तीन है, आवेश खान भी आ जाएंगे। अनुराग भाई बोलिए। मैं कह रहा था कि रवि बिश्नोई तो वो मतलब बॉलर है ना जिसके हम लोग लास्ट इनिंग बात कर रहे हैं, जो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा विकेट ले रहा था, दो विकेट हाँ फर्स्ट इनिंग्स में, क्योंकि जनरली लोग क्या करते हैं लेग स्पिनर को सेकंड इनिंग में ट्राई करते हैं, बट रवि बिश्नोई इज द वन जो फर्स्ट इनिंग में ज्यादा मतलब विकेट टेकिंग है। रवि बिश्नोई को वैसे मैं लेग स्पिनर कंसीडर करता ही नहीं, लेग स्पिन बहुत रेयर लेग डालते हैं। तो ये हो गई हमारी आज की टीम, और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो कर लो, बहुत जरूरी है, क्योंकि फ्री गिवअवेज हैं और इस वीडियो में भी गिवअवे है, तो गिवअवे का क्वेश्चन आशीष भाई आए हैं हमारे नए मेहमान, तो उनसे पूछ लेते हैं। आशीष भाई जल्दी, तो पृथ्वी शॉ स्टॉक में कितने रन बना रहे हैं? तो मेरे से स्टार्ट करता हूं, जीरो से ऊपर, जीरो से एक रन ज्यादा नहीं बोलने आप। मैं यहाँ पे 19 रन। 19 प्रति भाई, 17 मत बोलना, देखो नहीं नहीं 17 मत बोलना, पिक किया है उसको, मैं 17 क्यों बोलना, 17 डालना है आपको, या तो 18 या फिर 36, या का ऑप्शन नहीं है, नो या तो फिर आई एम गोइंग विद 36 तो मेरे 33 बस हमारा टाइम पास। तो अब आप फटाफट से कमेंट करके बता दो पृथ्वी शॉ के आपको क्या लगता है कितने रन करने वाले हैं, एग्जैक्ट हो गए और फास्टेस्ट हुए, एग्जैक्ट भी अगर 10 अगर एग्जैक्ट हो गए 10 जर्सी तो भेजेंगे नहीं, इतना बजट नहीं हमारा, हमारे पास नहीं इतने वैसे, भेजेंगे हम एक को ही। तो एक्चुअली पीयूष भाई इसमें ना, इसमें जर्सी ना भेज के ना लेट्स डू वन थिंग, एबी का साइंड पैड भेजते हैं। अरे बहुत बढ़िया, फिर तो मैं चार आईडी बैटर पिक किया है तो एबी डिविलियर्स, चार आईडी से मैं कमेंट करूंगा सबसे पहले, 4 नहीं 10 अकाउंट बनाता हूँ। हाँ ये भी ध्यान रखना मल्टीपल कमेंट्स अलाउड नहीं है, नया अकाउंट से कर दो, दूसरे अकाउंट से, घर की फैमिली में सबके अकाउंट से कर दो, लेकिन मल्टीपल कमेंट्स अलाउड नहीं है, एक ही आदमी 100 कमेंट कर देता है, ऐसे फेयर थोड़ी है। तो एबी का बैट देंगे इस बार आपको, डिजिटली साइंड होगा और छोटा मिनिएचर बैट, ऐसा नहीं मिनिएचर बैट, वो नहीं खेलने वाला नहीं, हमने एक को बेचा था, उन्होंने बोला भाई ये छोटा सा बैट है, मेरे को तो खेलना है हमारे दोस्तों के साथ, वो उससे खेल नहीं सकते, मिनिएचर बैट है, आपको डिजिटली साइंड वाला भेज देंगे, तो कमेंट कर दीजिए फटाफट अगर आप विजेता हुए तो भेजेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कल से रेगुलर प्रीव्यूज, क्योंकि कल मिलेगी हमें थोड़ी शांति, अरे शांति के संडे भाई, संडे को फिर से डबल हेडर है, डबल हेडर के दोनों प्रीव्यूज करेंगे हम, और हालत खराब है बहुत ज्यादा, इसलिए मैं ये प्रीव्यू देखने आ जाना, क्योंकि बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग, थैंक यू सो मच वॉनिंग हरीक भाई, आशीष भाई, थैंक यू।